भी बना सकते हैं, जो हम गेहूं का बनाते हैं वो इसका बना सकते हैं, कुछ भी बना प्रसाद बना सकते हैं। ये रागी है, रागी कोदरा, और रागी कोदरे को प्रोसेस किया जाता है, इसके चावल निकलते हैं। रागी, लेकिन रागी है, इसको निकालो, इसको साफ करो, धो और पिसा कर इसकी जो मर्जी खाओ, रोटी खाओ। इसका शुगर के रोगियों पर बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ा है। मैंने बहुत से लोगों को ये दिया, इसको रिकमेंडेशन की, उनकी शुगर कंट्रोल में आ गई। ये इसका आटा है, ये गुड़ है, जे सवांक है, सामा, सामा बोलते हैं हिंदी में, स्वांक। स्वांक जी मेरे पास दो किस्म का है, एक मोटा है जो आप देख रहे हैं, ये इसके चावल है, आप बाद में देख लेना, इसके बारीक चावल है, बारीक, ये बारीक है किस्म है मेरे पास, इसकी चावल है। जे शक्कर है, जे चीणा, चीणा जो पहले 60-70 साल पहले हमारे खेतों में होता था। मैं कई बुजुर्गों से बात करता हूँ जब जाता हूँ कहीं भी, आपको चीणा का पता है? मेरी ताई जी है, मैं उनसे बात की, बोले हमारे बापू जी उगाते थे, हम खाते थे, लेकिन उस बाद ये इनके चावल है। ये कंगनी है, ये भी मिलेट में आती है। ये काली गेहूं है, ये कुटकी है, ये भी मिलेट में आती है, मिलेट मूल अनाज है। ये 11-21 बासमती है, जहर मुक्त, ये सभी जहर मुक्त है। ये इसके चावल है, ये बंसी गेहूं है, ये मक्की है, देखो मक्की, देसी मक्की है, बिल्कुल देसी मक्की। और ये अलसी है, चिट्टी अलसी है, मूंग है, मेथा है,